हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब साबुन और शैम्पू से निकलने वाला झाग बिल्कुल सफ़ेद होता है तो साबुन और शैम्पू के बुलबुले रंगीन क्यों दिखाई देते हैं? ऐसा क्यों दिखाई देता है, यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक। लेकिन उससे पहले, अगर आप भारत में रहते हैं और आप भी भारत से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही नॉलेजबल वीडियो लेकर आते रहते हैं। विज्ञान के अनुसार किसी वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता। उस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वह बाकी रंगों को सोखकर जिस रंग को परावर्तित करती है वही उसका रंग होता है। अर्थात जब कोई वस्तु पूरी तरह से सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है तो वो सफ़ेद दिखाई देती है, और जब कोई वस्तु सभी रंगों को एब्जॉर्ब कर लेती है तो वह काली दिखाई देती है। साबुन के एक बुलबुले में घुसते ही प्रकाश किरणें अलग अलग दिशा में परावर्तित होने लगती हैं, यानी उसके अंदर प्रकाश की किरणें किसी एक दिशा में जाने के बजाय अलग अलग दिशा में बिखर जाती हैं। यही कारण है कि साबुन का एक बड़ा बुलबुला हमें पारदर्शी सतरंगी फिल्म जैसा दिखाई देता है। अगर ऐसे किसी बुलबुले में से प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में लौटती हैं तो यह कागज की तरह सफ़ेद दिखाई देता है। आसमान का रंग भी सफ़ेद दिखने की यही वजह है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश करता है जिसमें धूल अथवा अन्य सूक्ष्म पदार्थों के कण मौजूद हों तो प्रकाश जन कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं।